दोस्तों नमस्कार। आज जिस वॉकमैन का रिव्यू मैं करने आया हूँ वो है सोनी का वॉकमैन। मॉडल नंबर है FX353 और ये ऑटो रिवर्स वॉकमैन है। थोड़ा सा ये फेड अप हो गया है। इसमें सारी फैसिलिटीज़ है और एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो है वो है ऑटो रिवर्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसके कंट्रोल्स के बारे में पहले बता देता हूँ। इसमें मेगा बेस का एक स्विच दिया हुआ है जिससे आप मेगा बेस को एक्चुअली बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल्स की बात करें तो एक टॉगल स्विच दिया हुआ है जिससे आप टेप, एम और एफएम के बीच सिलेक्शन कर सकते हैं। जो बेसिक कंट्रोल्स होते हैं, स्टॉप, रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड, प्ले, वो भी दिया हुआ है। अंदर की बात करते हैं तो अंदर में कैसेट इंसर्ट यहाँ से होगा। एक सीरियल नंबर जो हमेशा आपको हर एक जेन्यून प्रोडक्ट जो रहता था सोनी का उसमें देखने को मिलता था वो भी यहाँ पे है। बहुत नीट पीस है ये। ऊपर दो और कंट्रोल्स है, ये है डायरेक्शन का। इसकी मैं आपको बताऊंगा प्ले करते वक्त इसकी क्या फंक्शन होती थी। एक बेसिक तौर पे समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि कैसेट के साइड को चेंज करने के लिए आपको निकाल के और कैसेट को ऐसा पलटने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा डाल के और जैसे ये ख़त्म होगा तो इसको ऐसा पलटने की ज़रूरत नहीं है। इस बटन से ही ऑटोमेटिकली दूसरा साइड प्ले होने लगेगा। जो बेसिक फीचर रहता था 3 वोल्ट DC का वो भी है इसमें। मतलब आप एडाप्टर से किसी भी 3 वोल्ट DC से आप इसको चला सकते हैं। कंट्रोल्स में अवेलेबल लिमिट, ईयरफोन जैक, ट्यूनर, वॉल्यूम रॉकर और नॉर्मल और मेटल कैसेट के बीच का सिलेक्शन कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक बेल्ट क्लिप है जिसको आप निकाल भी सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैं इसको अभी लगा के रखता हूँ। बैटरी इंसर्ट करते हैं। दो पेंसिल सेल लगता है इसमें। मैं ड्यूरासेल यूज़ करता हूँ तो ये लगा दिया मैंने ड्यूरासेल। और अब चूंकि इसमें ईयरफोन जैक है तो मैंने अपने एक्सटर्नल स्पीकर को ऑक्स के थ्रू लगा रखा है। ये है मेरा एक्सटर्नल स्पीकर जिस पे मैं आपको सुना के दिखाऊंगा या दिखा के सुनाऊंगा, जो भी आप ठीक समझें। अब इसको हम करते हैं प्ले। वॉल्यूम को कर देते हैं लो, प्ले करते हैं। बेस बढ़ाते हैं। अब देखिए इसका साइड मैं कैसे चेंज करता हूँ बिना कैसेट को खोले हुए, इस लीवर के, इस बटन के हेल्प से। महकती जवानी हवा की रवानी। साउंड क्वालिटी को अच्छे से समझने के लिए आप ईयरफोन का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसे साउंड क्वालिटी आप बेहतर समझ पाएंगे। बहारों की रानी हसीना दीवानी। दोस्तों रेडियो सुना के मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद।